ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर थिएटर्स पर रिलीज हो गई है। फिल्म को क्रिटिक्स के साथ साथ दर्शकों की तरफ से भी बेहद ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है। वहीं फिल्म की रिलीज के बाद हर किसी को इंतजार रहता है उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। तो चलिए इंतजार किस बात का, बताते हैं आपको कि पहले दिन वॉर ने कितने करोड़ का बिजनेस किया है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म ने पहले ही दिन करीब 51 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। कहा जा रहा है कि फिल्म वॉर को चिरंजीवी और अमिताभ बच्चन की फिल्म सायरा नरसिम्हा रेड्डी से बड़ा कंपटीशन मिला है। कहा जा रहा है कि अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टाइगर और ऋतिक रोशन के फिल्म के सामने न खड़ी होती तो पहले दिन फिल्म की कमाई का आंकड़ा 55 करोड़ रुपए भी पार कर सकता था। हालांकि इसी दिन जोकर सायरा नरसिम्हा रेड्डी के चलते फिल्म की कमाई पर हल्का असर जरूर पड़ा है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के एक्शन की जमकर तारीफ हो रही है। दर्शकों का कहना है कि ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म है। फिल्म में टाइगर और ऋतिक को लेकर दर्शकों में पहले ही काफी क्रेज था, जो कि फिल्म की कमाई को देखकर साफ पता चल रहा है। खबरों की माने तो ज्यादातर थिएटर्स हाउसफुल जा रहे हैं। फिल्म में ऋतिक और टाइगर का एक्शन एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ है। साथ ही इस फिल्म को थिएटर्स पर 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म में ऋतिक और टाइगर के अलावा वाणी कपूर भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आई हैं। फिल्म को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाली है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि टाइगर और ऋतिक की वॉर अपने वीकेंड पर कितने करोड़ का कारोबार करती है। वैसे अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।